तो गाइस आप सभी का स्वागत है आज की इस यूट्यूब वीडियो में। तो फ्रेंड्स मैं शिवम कुमार आ गया हूँ आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेके। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल एक टिकटॉक पे काफ़ी ट्रेंड में एक वीडियो चल रहा है नेम आर्ट वाला वीडियो, तो आज मैं आपको वही वीडियो कैसे बनता है वो सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एस के टीच में। तो फ्रेंड्स आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर इस वीडियो के बारे में आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो वीडियो पे कमेंट करें। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले टिकटॉक ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद जो फ्रेंड्स देख सकते हैं आपका ये जो वीडियो ये आ गया है लेगा। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये वीडियो किस टाइप से बनता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो आप देख सकते हैं जैसे कि टिकटॉक के जो होम पेज पे जो थर्ड ऑप्शन है प्लस का आइकन, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको देख सकते हैं कुछ इस टाइप का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, टेम्पलेट उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो उस पर क्लिक करने के बाद इसे स्क्रोल करते जाएंगे तो यहाँ जो डबल एक्सपोजर का ऑप्शन उस पर हम लोग को क्लिक करना है सेलेक्ट फोटो पे। उसके बाद देख सकते हैं ये इस प्रकार का डाउनलोड होते रहेगा, उसके बाद जो है आपका जो है मोबाइल का एल्बम ओपन रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं आप दो ही फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको इसके लिए पहले कोई ब्लैक फोटो चूज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कोई फोटो चूज करना। तो देख सकते हैं चूज करने के बाद ये इस टाइप का आ गया है। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ जो थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं ए का ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया माई लव एस। उसके बाद यहाँ ए में फर्स्ट में जो वो बॉक्स का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे आउटलाइन, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आप कलर चेंज करके इसे सेटअप कर सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने इसे सेटअप कर दिया है। उसके बाद उस पर क्लिक होल्ड करके रखिएगा, क्लिक करके तो यहाँ पे सेट ड्यूरेशन का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपका कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आपको ये खींच वींच के आप ये इसे सेट कर सकते हैं। तो मैंने देख सकते हैं जैसे कि ये सेट कर दिया है, तो मेरा ये ड्यूरेशन जो है फ्रेंड्स वो सेट हो चुका है। तो उसके बाद देख सकते हैं ये इस टाइप का हो गया वीडियो मेरा बन चुका है। तो उसके बाद आप और सारा चीज़ वेज लिख के उसी टाइप से ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो देखने में कितना बेटर लग रहा है फ्रेंड्स, ये बन चुका है। तो आपका सेम उसी टाइप का वीडियो बन चुका है, आप इसे पोस्ट करेंगे तो आपका भी वीडियो फ्रेंड्स वायरल हो सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है साउंड का, उस पर क्लिक करके आप कोई भी साउंड सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।